नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस की लीगल फाइट में आ गया है एक बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जैकलिन फर्नांडिस के लॉयर ने उनकी क्लाइंट के खिलाफ नोरा फतेही के डेफेमेशन केस पर इशू किया है एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। यस, यू हर्ड इट राइट, नोरा फतेही ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में खुद को गोल्ड डिगर कहे जाने पर जैकलिन के अगेंस्ट डेफेमेशन केस फाइल किया था। वेल, नोरा ने इस केस में रिसेंटली दिया क्या स्टेटमेंट और जैकलिन के लॉयर ने किया है नोरा पर क्या पलटवार, ये आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे। नोरा फतेही ने रिसेंटली जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ डेफेमेशन केस में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया और रिपोर्टेडली कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्केपगोट बनाया जा रहा है। नोरा का कहना था, दे हैव कॉल्ड मी अ गोल्ड डिगर एंड अक्यूज्ड मी ऑफ हैविंग अ रिलेशनशिप विद अ कॉन आर्टिस्ट एंड इंक्लूडेड माय नेम इन एन ऑनगोइंग क्रिमिनल केस टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम देम। नोरा के इस आरोप पर पलटवार करते हुए जैकलिन के लॉयर ने स्टेटमेंट इशू किया है। स्टेटमेंट में कहा गया है, वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑनरेबल कोर्ट्स, सो वी कैन नॉट कंफर्म एनी सच डेवलपमेंट्स। इट इज अ मैटर ऑफ एडमिटेड फैक्ट दैट जैकलिन हैज नेवर एवर मेड एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट एनीवन फॉर दैट मैटर बिफोर एनी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया। जैकलिन हैज ऑलवेज मेंटेन्ड अ डिग्निफाइड एंड ग्रेसफुल साइलेंस अबाउट द केस एज द मैटर इज सब ज्यूरिस एंड pending before honorable courts for adjudication. जैकलिन के लॉयर ने नोरा पर कोर्ट की प्रोसीडिंग को पब्लिक डोमेन में लीक करने का आरोप लगाते हुए आगे स्टेटमेंट में कहा, सेपरेट लीगल एक्शन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स कैन बी कंसिडर्ड इफ द रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्ट आर लीक्ड एंड यूज्ड टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स वेयरइन सर्टेन पीपल आर नॉट इवन पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। माय क्लाइंट रिजर्व्स द राइट टू सू फॉर मलिशियस प्रोसिक्यूशन इन क्रिमिनल कोर्ट्स अगेंस्ट द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इलीगल एंड मलिशियस एक्ट व्हिच काइंडली नोट। बता दें कि कॉमन सुकेश चंद्रशेखर के अगेंस्ट 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस आरोपी है। नोरा फतेही ने लास्ट दिसंबर 12 को उनका नाम इस केस में घसीटने पर जैकलिन के खिलाफ डेफेमेशन का केस फाइल किया था।